हेलो गाइस, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ले आई हूँ सनराइज़ ऑमलेट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ज़्यादा ये डेकोरेशन में, अगर आप इसको देखें, अपने बच्चों को दें या डेकोरेट करके जैसे प्लेट्स में देंगे तो बहुत सुंदर लगता है। तो गाइस, इसे बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इंग्रेडिएंट्स देख लें, हमने यहाँ पे लिए दो एग लिए, एक बॉटल चाहिए हमें एम्प्टी योल्क को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे हमने घी लिया है, डालडा घी है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक लाइक देसी घी और रिफाइंड, और एक बाउल लेंगे। तो आइए गाइस, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे एक एग ले रहे हैं, इसे हम तोड़ लें। तो इस तरह से आप देखेंगे एग के दो पोर्शन होते हैं, एक एल्ब्यूमिन और एक योल्क, येलो वाले पोर्शन को हम लोग योल्क बोलते हैं। तो फर्स्टली इसी की जो हम लोग मेन डेकोरेशन इसी से होती है, तो सबसे पहले हमें इसे सेपरेट करना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम एक बॉटल लेंगे, तो इसको येलो वाले पोर्शन को हमें सेपरेट करना है। तो ये बॉटल लें, इसका जो ये पूरा पॉइंट है, सुपर वाला पॉइंट, इस बॉटल को इस तरह से प्रेस करेंगे हम लोग, अच्छे से प्रेस करें और इसको हम ऐसे जहाँ पे भी योल्क है इसको ऐसे डालें, और इसको जो हमने प्रेस किया हुआ इसे छोड़ें, तो इससे हमारा जो एल्बुमेन है वो सारा इसमें आ जाएगा और अंडा सेपरेट हो जाएगा। ऐसे हमारा ये सेपरेट नहीं होगा, तो हमारा जो एल्बुमेन है वो अलग हो जाएगा और योल्क अलग हो जाएगा। तो हमारा एल्बुमेन अलग है और योल्क हमारा बॉटल के अंदर है। तो ये टॉप पे देखिए सी लाइन ना, ताकि ये जो योल्क है ऐसे ऐसे ही रहे। तो इसी तरह से हम दूसरे एग को भी इसी तरह से हम अलग कर लेंगे, योल्क को उसको दूसरा एग तोड़ रहे हैं और इसे भी डालेंगे। इसमें वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये बॉटल है इसे प्रेस करें और इसे रखें और इसे छोड़ दें, तो हमारा जो योल्क है वो अलग आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें अपने कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ अभी। इसके बाद इसमें थोड़ी सी चिलीज और थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं, और हम इसे अब मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं और हमारे अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वह साथ ही हमने इसमें एक दो बूंदे लेमन की ऐड कर रहे हैं, इससे क्या होगा जो हमारा ऑमलेट है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेगा और इसकी जो स्मेल है वो हमारे घर में नहीं आएगी। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो हमारा मसाला है वो एक ही जगह पर ना रहे और जो हमारा एग है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करना है इसे, स्मैशर के बाद इसे अच्छी तरह और फेंटें ताकि इसमें झाग आ जाए अच्छे से। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ज़्यादा हमारा अच्छा ऑमलेट बनेगा। अच्छे से फेंटे इसे आप। तो इसके बाद हम एक तवा ले रहे हैं और पैन को इस तवे को हीट होने दें, इसे हम थोड़ा हीट हो जाए तो हम इसमें ऑयल लगाएंगे। मैं डालडा घी लगा रही हूँ ताकि जो मेरे एग है वो और भी ज़्यादा स्पंजी बने, अच्छा बने, क्रंची बने। आप इसमें कोई भी रिफाइनरी यूज कर सकते हैं, अगर आप डालडा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छे से हम ऑयल लगाएंगे इस पर। अब इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बटर यूज़ करेंगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। तो हमारा जो एग एल्बुमिन है एग का, उसको हम इसमें डालते हैं। ध्यान रखें योल्क से पूरी तरह सेपरेटेड है। योल्क को सेपरेट करने का अंडे के अंदर से और इससे ज़्यादा बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप यही तरीका इसके लिए इस्तेमाल करें और देखिए हमारा एग है कितना ज़्यादा स्पंजी बना है। आमलेट अभी इसे गोलाएंगे फैलाएंगे। इनको धीमा कर दें और इसमें थोड़ा और हम ऐड करेंगे घी साइड में कॉर्नर्स पे, सो दैट कि ये चिपके ना और इजीली पलटा जाए। फिर एक दो मिनट के बाद ये जो है पक जाएगा, तो हम इसमें अब ऊपर से हमारा जो एग योल्क है बॉटल वाला, तो हम यूज
फ्लेवर इसको डालेंगे। हमारा सनराइज सैंडविच तैयार है। इसके ऊपर आप गैस को बंद कर दें और इसे 2 मिनट तक पकनेंगे। तो हमारा जो है एग योल गैस को 2 मिनट तक गर्म करेंगे हम, और जो हमारा सनराइज सैंडविच है वो तैयार है। आप यहाँ पे 1 योल के 2 योल का यूज़ कर सकते हैं। और इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम लोग इसे जहाँ पे भी हम रखना चाहें, सुबह उसको यहाँ रखना है और या फिर यहाँ रखना है, तो हम इसको ब्रेड के साथ चपाती के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।